हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। को भाई समय हो रहा है 9:33। मैं सुबह 5 बजे सोया हूं और अभी उठा हूं भाई 10 मिनट पहले, और मिल गई है मुझे गर्मा गर्म मस्त एक गिलास चाय हमारी मम्मी जी की कृपा से। मम्मी जी गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज सुबह भाई 5 बजे के बाद उठे, नहाए धोए और मस्त तैयार होकर चले गए कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम अटेंड करके आ गए हैं घर। सोचो क्या गजब का। नहीं तो संडे के दिन मैं हमेशा उनको उठाता था सुबह सुबह, आज मुझे उठाए सबने मिलकर भाई। तो फटाफट चाय फिनिश करते हैं। आज मौसम ने भाई फिर से ली है बहुत बड़ी करवट, ठीक है। बिल्कुल धूप नहीं निकली है, बादल वाला मौसम छाया हुआ है। और भाई साहब वो घर वाले बता रहे थे कि सुबह भाई बूंदाबांदी हो रही थी। बहुत तेज बूंदाबांदी तो नहीं हो रही थी, पर 5-5, 10-10 बूंद भाई तेजी से पानी गिर रहा था। तो बिल्कुल मौसम चेंज हो गया, ऐसा लगा जैसे हम ठंडी के मौसम में खड़े। भीषण गर्मी गर्मी आते आते ना एकदम से बिल्कुल ठंडी वाला मौसम आ जा रहा, फिर ठंडी वाला मौसम खत्म होते तो भीषण गर्मी आ रही। मौसम में समझ ही नहीं आ रहा कि हम ठंडी में जी रहे कि गर्मी में जी रहे कि बरसात में जी रहे। तीनों मिक्सचर मौसम हो चुका है भाई बिल्कुल एकदम से। मम्मी जी के नाश्ते की खुशबू भाई बाहर कमरे तक आ रही है, और दो दो खुशबू आ रही, पता नहीं क्या बन रहा है भाई। चलो देखते हैं बन क्या रहा है। ये तो ओट की खुशबू आ रही थी तो मैं समझ गया था मीठा मीठा। नमकीन नमकीन खुशबू क्या आ रही है, खिचड़ी बनी है क्या? अरे वाह यार, तो दो दो वैरायटी मिल गई। खिचड़ी किसके लिए बनी है? अच्छा खा के जाएंगे और अपन लोग ओट खाएंगे। तो गाइस आज नाश्ते में दो वैरायटी है भाई, दो वैरायटी है। एक मीठा ओट है और नमकीन खिचड़ी है। वाह वाह वाह, मम्मी दे दो प्लेट में फटाफट ओट। भूख सी लग रही है अब तो मेरे को सुबह सुबह नाश्ते की। भूख तो मुझे रात को 3 बजे से लगी थी, सही बताऊं तो मैंने बिस्किट खा लिया था और बाकी कुछ हैवी नहीं खाया था, पर अब बहुत तेज लग रही है भाई। खिचड़ी का कलर तो देख लो एक बार यार, शानदार खिचड़ी है। खुशबू तो बाहर गेट तक आ रही है, मैं तो सूंघते सूंघते आ गया। अरे खुशबू को सूंघते सूंघते मैं आ गया किचन में। तो भाई नाश्ते में दो वैरायटी, खिचड़ी और ओट। तो भाई साहब का ये खाना निकल रहा है और मेरा वो ओट नाश्ता निकलेगा। भाई साहब नाश्ता पानी कर हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं दिन भर के लिए ऑफिस के काम से। भाई साहब बाहर जा रहे हो कि यहीं रहोगे सिटी में? कुछ कह नहीं सकते, पहले अभी जाता हूँ वहाँ पे, फिर डिसाइड करेंगे कि राउंड को बाहर जाना है कि शहर में ही रहना है। जैसा भी होगा कुछ तो करेंगे, सीधे शाम को मुलाकात होगी। संडे को रहते भाई घर में बहुत सारे काम, पर आज ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं थी तो घर के छोटे मोटे काम जल्दी जल्दी निपटाए और नहा धोकर हो गए हैं फुर्सत। और यही बड़े काम और ज्यादा काम में लग जाओ ना भाई तो पूरा दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। पर आज थोड़े से काम किए ना तो बड़ा अच्छा हल्का हल्का सा लग रहा है। और अभी मुझे एक जरूरी काम करना है, उसमें लगना है भाई बहुत ज्यादा समय, तो मैंने यहाँ समय बचा के मैं यहाँ समय लगा दूंगा तो मेरे दोनों काम निपट जाएंगे जल्दी जल्दी। हो गया है लंच का समय और आज बनी भाई मेरी फेवरेट दाल, और इतनी शानदार खुशबू आ रही क्या बताए। मैं दिखाता हूँ आपको, ये भाई हरे मटर की बहुत शानदार दाल है। दाल चावल मैंने एक में मिक्स कर लिया है और ये एडिशनल दाल है, ठीक है। और ये है भाई टमाटर हरी मिर्ची की चटनी और ये है पापड़। हो गई है बहुत शानदार शाम, और जैसा भाई साहब ने बोला था कि मैं शाम को आऊंगा, भाई साहब शाम को आ गए हैं। मुंह हाथ धोकर हो गए हैं फुर्सत और मम्मी और भाई साहब बैठ के दोनों खा रहे हैं मस्त चटपटी नमकीन और शाम का नाश्ता। और भैया दिन भर कैसा रहा? मस्त एक नंबर। हम फोन कर रहे थे, फोन का ही नहीं उठा रहे थे, ये बताओ। नेटवर्क का प्रॉब्लम था भाई, थोड़ी देर बाद रिंग बज रही थी वहाँ। गाय से मेरा फोन नहीं उठाया, मैं सोचा ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, है? ऐसे तो 1-2 घंटे फोन उठा लेते हैं। ये नमकीन कैसी लग रही है? एक नंबर, चटपटी है ना। एक काम करो मेरी प्लेट में रख दो। जी देखो भाई मैंने अपनी प्लेट ला के रख दी है, पर मेरे को लग रही था पन्नी में इन दोनों कुछ छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा चाट चाट के खा रहे हैं दोनों ना कि पन्नी में एक दाना ना बचने वाला है। बहुत शानदार नमकीन है भाई, देखो कितनी अच्छी नमकीन है। और ये कंपनी की नहीं है, ये बनाई हुई नमकीन लेके आई थी हमने परसों, ये वो नमकीन है। समय हो गया है पीने का, पानी भरने का। लगभग मैं 20 मिनट से भाई मोटर को चला रहा हूँ, पानी आ ही नहीं रहा है, सिर्फ हवा आ रही है। मेरे को लगा कि पानी डाल के चलाना चाहिए, फिर मैंने पानी डाल के चलाया, फिर पानी के सटक को भाई पानी में डुबो के रखा कि किसी तरह से भाई एक बार प्रेशर बन जाए तो पानी अच्छा आ जाए। पर भैया मोटर जल जाएगी, पानी नहीं आएगा। तो मैंने मोटर बंद करके सटक टांग दिया है बढ़िया से और बाल्टी वाल्टी अंदर रख दी है। पीने का पानी का 4-5 दिन का स्टॉक ना रखे ना तो भैया बड़ी वाट लगने वाली, क्योंकि नल में पानी ही नहीं आता। आए दिन 2-3 दिन 1-2 दिन ऐसा पानी गायब हो जाता है। बस आप मोटर चलाते जाओ और इंतजार करते रहो कि भैया पानी कब आएगा,
पानी कब आएगा, दिमाग खराब हो जाता भाई, पूरे 20 मिनट बर्बाद हो गए मेरे। मैं बना रहा हूँ भाई शाम की मस्त कड़क स्ट्रांग चाय, मुझे भी पीने की भाई बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है और घर वालों को भी चाय पीने की भाई बहुत ज्यादा इच्छा हो रही, क्योंकि एक समय होता है उस समय के बाद दिमाग की घंटी टन 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 बजने लगती है, दिमाग बोलता है भाई मुझे चाय दो, मेरा टाइम हो गया है, तो उस टाइम पे चाय मिलनी चाहिए, नहीं तो दिमाग ना बेचैन हो जाता है। और भाई साहब यहाँ बुला लिए हैं, मैं बैठा हूँ मस्त प्लेटफॉर्म पर, चाय मैं बना रहा हूँ, ठीक है भाई? हाँ भाई चाय ही बना रहा है, आज भी चाय ही बना रहा है। नहीं रोज की मैं ही बनाता हूँ। अच्छा रोज की यही बनाते हैं, ये सिर्फ चम्मच हिलाने आ गए, ठीक है? चाय के दर्शन कराते, कितनी गोरी चाय, रुको पहले देखो भाई चाय देखो, ठीक है भाई साहब कहने की अनुसार मैंने इसमें बहुत ज्यादा हैवी दूध डाल दिया है, अच्छी भी तो लग रही है, अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी भी तो लग रही है, इतनी गोरी चाय पिलाने के बाद इनकी रोज की नाराजगी रहती है भैया हैवी दूध वाली चाय बुला, हैवी दूध वाली, हमने बोले काम करो भैंसिया ले आओ अपन घर में बांध ले, ठीक है जगह नहीं है भाई, आराम से 5 लीटर दूध देगी, 2.5 लीटर की तुम्हारी चाय बना देंगे, 2.5 लीटर की हम पी लेंगे, तब तुम्हें संतुष्टि होगी भैया गोरी चाय है। गाय साहब बताओ इतनी गोरी चाय नहीं होती अच्छी यार, इनको रोज रहता है गोरी चाय, तो मैंने आज बना दिया दूध उड़ेल दिया भाई, ठीक है मम्मी 4 बार सुनाएंगी मैं सुन लूंगा कि दूध खत्म हो गया, इनको उड़ेल की चाय दिया जाएगा भाई, आज गोरी है तो गोरी चाय दिया जाएगा, ठीक है? तो मस्त 5 मिनट खोला ले, उसके बाद सबको देते हैं शाम की कड़क चाय। बहुत देर से बैठकर भाई एक जरूरी काम कर रहा था, उस काम को करना जरूरी था और आज ही निपटाना भाई जरूरी था, तो बहुत ज्यादा समय लग गया पर काम समय पर पूरा हो गया है। और इस काम को करने के चक्कर भाई मैंने शाम की वॉक भी नहीं की, भाई साहब अकेले वॉक करके आ गए हैं, पर मेरी भाई सिर की जो हेडिक थी ना वो खत्म हो गई है, टेंशन फ्री, काम निपट चुका है। हो गया है डिनर का टाइम और आज बना भाई हल्का हल्का लाइट वेट बहुत शानदार मस्त खाना, तो ये है भाई मसाला दाल, बहुत शानदार लग रही भाई, एक नंबर की दाल दिख रही है, और ये है भाई क्रंची क्रंची और सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे, ठीक है ना? और भूख लगी है बहुत जोर से, तो दाल पराठा, पराठा दाल बहुत बढ़िया लगता है। हे गाइस हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग, आई होप आपको व्लॉग तो अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।